अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर एएमपी मेंबर्स एंड एनटीएस एम्बेसडर्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है नेशनल टैलेंट सर्च में वॉलंटियर करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। हम चाहते हैं कि ये जो अगला एक महीना है हमारे पास, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस तक पहुँचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रजिस्टर कराया जाए। हम सबका एक टारगेट हमने सेट किया था कि नेशनल टैलेंट सर्च में कम से कम 5 लाख बच्चे पूरे इंडिया से रजिस्टर करें, जो मुझे लगता है कि अगर हम सब ने अच्छे से मेहनत की और कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया तो ये टारगेट बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 स्टेप्स हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर और व्हाट्सएप पर एनटीएस के मैसेज को लगातार फ्लोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और दूसरे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं और व्हाट्सएप में जितने सारे ग्रुप्स हैं और व्हाट्सएप में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ये मैसेज आप फॉरवर्ड करने का काम करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जिम्मेदारों से पर्सनल बात करें, टीचर्स से, प्रिंसिपल से, स्कूल और कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करें और उनको एनटीएस के बारे में बताएं और उनको एनकरेज करें कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रजिस्टर कराएं इस कंपटीशन में। उसके बाद तीसरी अहम चीज़ ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं कोई टीचर्स की एसोसिएशन होती है, प्रिंसिपल्स की का ग्रुप होता है, स्कूल मैनेजमेंट का अपना एक ग्रुप होता है। ऐसे एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करें और उनसे बात करें कि वो हम लोगों को इस पूरे काम में मदद करें। तो अगर कोई राइट ऑर्गेनाइजेशन, राइट इंडिविजुअल अगर हमसे कनेक्ट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स और कॉलेजेस तक हम सबको पहुंचने में बहुत ही मददगार होगा। उसके बाद उलेमा एक बहुत अहम फैक्टर है कम्युनिटी में, तो कोशिश करें कि अपने अतराफ में उलेमाए कराम से बात करें और उनको इस प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत के बारे में बताएं और उनसे दरख्वास्त करें कि वो जुमा के खुतबे में इस बात का ऐलान करें और जो उनके मकामी तौर पर जो दूसरे उलमाए कराम हैं उन तक इस मैसेज को पहुंचाने का काम करें। मुझे लगता है अगर हमने उलमा को इस काम में इन्वॉल्व कर लिया तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया में चलने वाले जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं उनसे भी आप लोग बात करें और उनको दरख्वास्त करें कि वो नेशनल टैलेंट सर्च के बारे में न्यूज़ पब्लिश करें। इंशाल्लाह उसके ज़रिए भी हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके अलावा अगर एक और पॉइंट पर मैं रोशनी डालूं तो जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो ऑलरेडी फील्ड में अच्छा काम करती हैं उनसे रब्ता करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कनेक्टेड हो और वो लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करें। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने अतराफ की तमाम ऑर्गेनाइजेशन से बात करें और उनसे कहें कि वो जो है नेशनल टैलेंट सर्च को प्रमोट करने का काम करें। एएमपी के जो लीडर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि टीम के सारे मेंबर्स को एनकरेज करें, उनसे बात करें। जितने भी लोग हमारे साथ चैप्टर में मौजूद हैं हर बंदा कहीं ना कहीं इस पूरे कंपटीशन को लगातार प्रमोट करने का काम करें। आज हम लोग नवंबर के आखिरी हफ्ते में हैं, समझ लीजिए इसके बाद हम लोगों के पास पूरे कंपटीशन के तकरीबन एक महीना बचता है। 12 तारीख से इस कंपटीशन की शुरुआत होगी सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, उसके बाद 19 तारीख को स्कूल स्टूडेंट्स और 26 दिसंबर को जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होगा। तो लेट्स पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स एक महीने के लिए और मुझे लगता है कि अगर हम सब लोगों ने मेहनत की तो कोई भी टारगेट हमारे लिए बड़ा नहीं है। हर एक टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, हर एक जो है कामयाबी हम पा सकते हैं, हर एक मंजिल पर हम लोग पहुंच सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हमारा हामी और नासिर हो और इस तमाम काम में अल्लाह हमारी मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।